ऑल राइट एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी प्यारे प्यारे मित्र मेरे साथ कक्षा में जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ईवीएस की इस बेहतरीन सी कक्षा में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप लोगों का सभी का काम? ओके, तो सभी दोस्त जितने भी हैं यहाँ पर जुड़ चुके हैं। दोस्तों, आज आपकी विज्ञान की दो क्लासेस और होंगी, पेपर दो विज्ञान की दो क्लासेस और होंगी, और वो दोनों क्लासेस के जो टाइमिंग है वो आप लोगों को मिल जाएंगे सीटेट बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल में। दोस्तों, सो प्लीज ज्वाइन सीटेट बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल। जिनको भी सीडीपी, संपूर्ण सीडीपी के नोट्स चाहिए, यस गाइस, आपको संपूर्ण सीडीपी के नोट्स मैंने डाल दिए हैं। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है सीटेट बाय लोकेश सर। और सबसे बड़ी खबर, आज से कुछ दिनों बाद, आज 11 तारीख है, 19 तारीख को दोस्तों सीडीपी की संपूर्ण क्लास लेकर आ रहा हूं मैं। मतलब एक क्लास में पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, है ना। एक दिन तैयार हो पूरा दिन, ठीक है, एक दिन पूरा दिन मुझे आप लोगों को देना है। करीब लगेंगे 4-1 घंटे लग जाएंगे दोस्तों। उस 19 तारीख को जो ये क्लास होगी, जो सीडीपी की संपूर्ण क्लास होगी दोस्तों, उससे आप लोगों की पूरी सीडीपी कवर हो जाएगी, पूरी सीडीपी कवर हो जाएगी। तो पेपर एक की तैयारी कर रहे हो चाहे पेपर दो की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए सीडीपी कवर हो जाएगी 19 तारीख को। और इस कक्षा का जो लिंक मिलेगा वो आपको सीटेट बाय लोकेश टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए जरूरी है कि टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन करो। आपको हो सकता है कि जो सेशन है वो वैसे दिखाई ना दे दोस्तों, ठीक है, वो वैसे सेशन ना दिखाई दे, तो आपको जरूरी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि आपको मिल जाएगी। चलो पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि जो सब्जियां हैं, सड़ी सब्जियां हैं दोस्तों, वो किस कारण गलती है, जो है बताओ दोस्तों, किस कारण जो है सड़ी सब्जियां फफूंद किस कारण लगती है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आज कोई भी आप बैच खरीदना चाहते हैं सीटेट का सबसे जबरदस्त बैच, पेपर एक और पेपर दो दोनों का, सभी सब्जेक्ट्स का, आप लोगों को कॉल करनी है इस वाले नंबर पर 9113782617, ठीक है। प्राइस है 928 रुपए। चलिए आंसर करिए, सड़ी सब्जियों पर फफूंद किस कारण लगती है? जीवाणु के कारण, शैवाल के कारण, ठीक है, कवक के कारण, ब्रायोफाइटा के कारण। सना जो मॉक टेस्ट है, जो वर्ल्ड कप देखने वाले छात्र हैं, मैं उन सबको बता दूं 10 बजे से है टेस्ट, ठीक है। टेस्ट, मॉक टेस्ट जो हो रहा है बीएसबी का, 10 बजे से 12 बजे तक है, 1:30 बजे नहीं है, ठीक है। 10 से 12 के बीच में वो मॉक टेस्ट खत्म करा दूंगा संडे को, फिर फ्री हो। 12 बजे से जितना देखना मैच उतना देखो, समझ रहे मेरी बात सब लोग जितने भी हैं भैया। जो हमारी नेक्स्ट जो आ रहा है, हमारा जो ये संडे आ रहा है, इस संडे को नहीं, अगले संडे को है, ठीक है, जो मैं सीडीपी क्लास के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन देखो, सब्जियों पर फफूंद किस कारण लगती है? कवक के कारण लगती है दोस्तों। आप लोगों ने कवक को ढंग से नहीं देखा है तो आपने सुना होगा बचपन में सांप की छतरी देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है, आप सबने देखी होगी सांप की छतरी देखी होगी। यहां पर आप देख सकते हैं ये सांप की छतरी है दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली इसे सांप की छतरी नहीं, कवक होती है, और ये मली मरी हुई चीजों पर क्या रहती है, जिंदा रहती है दोस्तों, ठीक है। अगला, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? नई एनसीईआरटी जो आई है दोस्तों, उसमें ये मेंशन्ड है चाणक्य के बारे में, बताओ चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? नई एनसीईआरटी में मेंशन है। 116 लोग जुड़ चुके हैं लेकिन लाइक 44 है। कृपया करके यहां पर जितने भी दोस्त हैं वो दबा दीजिए लाइक का बटन। सर, बिना पेड बैच सीटेट पास नहीं हो सकता? देखो यार, पास करने वाला कैसे भी पास कर लेगा, समझो, पास करने वाला तो हो सकता बिना मेरी क्लास के भी पास कर ले, ठीक है। लेकिन अगर आप कवरेज चाहते हो कि सारे विषय, सारे सब्जेक्ट और सारे टॉपिक्स मैं पढ़ लूं, तो वो पेड बैच के अंदर ही पॉसिबल है। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? कौटिल्य था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य था, ठीक है, कौटिल्य ही चाणक्य का दूसरा नाम था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, ठीक है, और समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार किसके हैं? तो मतलब बहुत सारे पति, ठीक है, मतलब एक लड़की बहुत सारे पति रख सकती है, ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। हमारी कक्षा में जो लड़कियां हैं, मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि भैया ये होता है, लेकिन आपको ये करना नहीं है, ठीक है, प्रेरणा नहीं लेनी है यहां से कि बहुत सारे पति रखो, है ना। और जितने भी लड़कियां भैया बहुपत्नी, ये आपको ये भी प्रेरणा नहीं लेनी है, ठीक है, चलो खैर ये आपकी मर्जी है। तो बहुपति विवाह, बहुत पत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी किस प्रकार के विवाह है दोस्तों, बताइए। एकल है, प्रायोगिक हैं, बहुविवाह के हैं या फिर समझौते विवाह के हैं दोस्तों, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑफ पॉलीगेमस। इनको बोला जाता है बेटा बहुविवाह, है ना, याद रखिएगा,
बहुविवाह, बहुत सारे विवाह है ना, याद रखिएगा। ये जो चैप्टर का क्वेश्चन है वो फैमिली से लिया गया है बेटा, फैमिली नाम का एक टॉपिक है, ठीक है। नया जो हमारी एनसीईआरटी आई है उसमें बहुविवाह का कॉन्सेप्ट जो है वो बताया गया है कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज जो है यानी कि पाश्चात्य सभ्यता के अंदर दोस्तों पॉलीगेमी के बारे में जिक्र किया गया है ना, याद रखिएगा। नई एनसीईआरटी में पॉलीगेमी के बारे में जिक्र किया गया है। पॉलीगेमी मतलब बहुत सारी पत्नियां आप रख सकते हैं, बहुत सारे पति आप रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मान के चलिए ये भाई साहब हैं, ठीक है। अब आपको पॉलीगेमी का एक उदाहरण देते हैं, ये भाई साहब हैं, तो इन्होंने इनकी तीन पत्नियां हैं, पत्नी नंबर एक, ठीक है, पत्नी नंबर दो, पत्नी नंबर तीन, है ना। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर बाय द वे करवा चौथ का दिन है, ठीक है, तो ये भाई साहब पर मतलब जो गिफ्ट मिलते होंगे, मतलब गिफ्ट देने में इनकी तो सैलरी चली जाती होगी, ठीक है, जीवन भर की। खैर इनकी मर्जी, भाई साहब होंगे कोई अमीर सहजादे, तो मिडिल क्लास आदमी तो वैसे ही तीन तीन वाइफ नहीं रख सकता, क्योंकि पत्नी नंबर एक को गिफ्ट दे या पत्नी नंबर दो को दे या पत्नी नंबर तीन को गिफ्ट दे, ठीक है। तो इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है, आप लोग इससे दूर रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, थकान एक स्थिति है जिसमें कोशिकाओं में कौन सा एसिड ऐड हो जाता है। दोस्तों क्लास नंबर 5 में जो फूड वाला टॉपिक दिया गया है, नई एनसीईआरटी में इस टॉपिक को डाला है, मैं वहीं से क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा रहा हूं। आंसर करिए लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, नन ऑफ दीज गाइज। चलिए आंसर करिए, सभी लोग आंसर करेंगे। तो दोस्तों जब हम रनिंग करते हैं, जब हम दौड़ते हैं, जब हम भागते हैं, तो दौड़ते रनिंग करते भागते समय हमारी कोशिकाओं के बीच में एक एसिड जमा हो जाता है, जिस एसिड का नाम है मेरे प्यारे मित्रों, दैट इज लैक्टिक एसिड। दोस्तों याद रखिएगा, ये लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। अरे गलती कर दी मैंने, ठीक है, मिटाई दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लैक्टिक एसिड याद रखिएगा। तो जो मसल्स हैं वो मसल्स हमारी सोर हो जाती हैं, हमारी मसल्स मोटी हो जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, सोर मसल्स हो जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सभी लोग एक बार यार लाइक का बटन दबा दो, 208 लोग जुड़ गए, ठीक है, 208 लोग जुड़ गए, लाइक का बटन दबा दो, ठीक है, सभी लोग जितने भी हैं, 73 लाइक हैं बस यार, ठीक है। कुआं में डूब जाऊं, अजी हाँ जी हाँ जी हाँ, है ना, लाइक देख के डूब जाऊं, अजी जाओ जाओ जाओ। अगला क्वेश्चन, ताजे फल सब्जियां आहार में किस रूप में सम्मिलित किए जाते हैं, शरीर के निर्माण के लिए, ऊर्जा देने के लिए, प्रोटेक्टिव डाइट के लिए, इनमें से कोई भी नहीं मेरे प्यारे मित्रों। देखो मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी दोस्त यहां पर जुड़े हैं सबको मैं बताना चाहूंगा, जितने ताजे फल सब्जियों के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं ना दोस्त, ठीक है, ये सभी एक प्रोटेक्टिव डाइट है। ये कैसी डाइट है दोस्तों, प्रोटेक्टिव डाइट है। देखो तीन तरीके की डाइट होती है बॉडी बिल्डिंग, जिनके अंदर बेटा प्रोटीन्स आते हैं, तो प्रोटीन्स का काम है हमारी बॉडी में बिल्डिंग करना, शरीर बना देना, ये ठीक है, बड़ा शरीर बना देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आता है एनर्जी गिविंग, कार्बोहाइड्रेट और फैट, मतलब मैं बड़ कर रहा हूं ना जो इतनी देर से, इसमें ऊर्जा लग रही है, और उस ऊर्जा को कहां से आती है, वो ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और फैट से आ रही है, ठीक है, जो घी खा रहा हूं मैं, दूध पी रहा हूं, जो उन सबसे बहुत बढ़िया एनर्जी मुझे मिल रही है, और वही एनर्जी की वजह से आप लोग पढ़ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो मेरे को रोग होते हैं अंदर, अगर कोई मान के चलो बैक्टीरिया गया, है ना, बैक्टीरिया अंदर गया शरीर के अंदर, तो बैक्टीरिया के साथ जो मेरी कोशिकाएं जो गेम खेल रही है ना, GTA Vice City, डिशुम डिशुम, है ना, वो बेटा प्रोटेक्टिव डाइट, वो विटामिन और मिनरल्स की हेल्प की वजह से होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का किस चीज का प्रबंधन करता है, बताओ किसका प्रबंधन करता है, विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा, प्रशिक्षण, निरोग व्यक्ति और माता और शिशुओं का प्रबंधन करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी बात पर खुश होकर सभी लोग जितने भी दोस्त हैं खुश होकर मुझे ये बता दीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है सर, छपरा में, हाँ छपरा में इसका हेड क्वार्टर, हाँ आरा में नहीं है, छपरा में, आरा और छपरा में नहीं है इसका हेड क्वार्टर, बताओ कहाँ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर, ठीक है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, पूरी की पूरी पब्लिक हेल्थ को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और जिनको नहीं पता, ठीक है, वो कहाँ है बेटा, जेनेवा में, याद रखिएगा, जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है,
याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत क्या है, कौन सी चीज से हमें विटामिन डी मिलता है? हमें सन की लाइट से मिलता है, हमें बहुत सारा पानी पीने से मिलता है, एक बैलेंस्ड डाइट करने से मिलता है, या हमें फलों से मिलता है? दोस्तों विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत क्या है, बताओ फटाफट से। विटामिन डी का एक मेन सोर्स क्या है? सूर्य का प्रकाश, अत्यधिक जल, संतुलित भोजन, या फल? बताओ विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी? यस, द करेक्ट आंसर इज सनलाइट। सूर्य का प्रकाश जो है वो विटामिन डी का एक मेन सोर्स है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी, है ना। आगे बढ़ते हैं, इनमें से स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग कौन सा है? मुंह है, होठ है, जीभ है, दांत है? बताओ स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग, व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट सेंसेस, जो टेस्ट हम लोग बात करते हैं उसका मुख्य अंग कौन सा है? बताओ मुंह है, होठ है, जीभ है, दांत है? यस दैट इज जीभ, है ना। जीभ हमारी स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग है, पांच इंद्रियां हमारी, ठीक है, पांच इंद्रियां हमारी ज्ञान इंद्रिय जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें से जीभ हमारे मुख्य अंग है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? मैंने पहले भी ये क्वेश्चन शायद कराया था, दोबारा से क्वेश्चन आया लेकिन अलग तरीके से आया, देख रहे हो ये सीटेट का अलग तरीके से पूछने का तरीका है, सीटेट का सेम क्वेश्चन लेकिन तरीका अलग है, क्वेश्चन सेम है लेकिन तरीका अलग है। बताओ रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाला कौन सा तत्व है? दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स, है ना, विटामिन और मिनरल खनिज, ये हमारा रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से कौन सा कथन सत्य है? WHO के हिसाब से कौन सा कथन सत्य है? बताओ स्वास्थ्य ही गुण है, यार ये तो क्वेश्चन बड़ा है देख लेना, है ना, कि स्वास्थ्य केवल रोग या निर्बलता का अभाव नहीं वरन शारीरिक मानसिक सामाजिक तंदुरुस्ती की पूर्ण आवश्यकता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है? बताओ फटाफट से, सबसे बड़ा अंग कौन सा है इनमें से, बताओ। कल दोस्तों आप लोगों को, ठीक है, कल मैं आप लोगों को, जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, सभी लोगों को एक छोटी सी मुझे चीज बतानी है, इज दैट कि कल मैं आप लोगों को, सभी लोगों को, ठीक है, वन सेकेंड, चलिए तो कल मैं आप सभी लोगों को एक पेडागोजी के एक मैराथन कराने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। मैराथन टाइप का क्या है, टैग वर्ड्स, नए टैग वर्ड्स आए दोस्तों इस बार मार्केट में, ठीक है, जो पिछले बार जो हमारे पेपर हुए हैं उन पर आधारित नए टैग वर्ड्स आए, वो सारे नए टैग वर्ड्स कम कराने वाला हूं मैं आपको, है ना। लिवर, यकृत इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से हैं, अजैविक घटक बताओ, CDP के भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल दोपहर 1:30 बजे, कब, कल दोपहर 1:30 बजे, सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है ना सेशन, 272 लोग देख रहे हैं सेशन में, ठीक है, अब 277 लोग देख रहे हैं, तुम लोग जुड़ते क्यों नहीं हो, जैसे 1:30 बजते हैं पता नहीं रहता क्या? चलो करेक्ट आंसर है, इट इज ऑल ऑफ दीज, है ना, ठीक है। पर्यावरण के अजैविक घटक सराउंडिंग एयर, आसपास की वायु, वाटर एंड लैंड, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक तंतु कौन सा इनमें से, लिनन है, पॉलिस्टर है, रेयान है, नाइलॉन है, बताओ इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है, बताओ फटाफट से, कौन सा नेचुरल फाइबर है? प्रेम की व्याख्यान रस खान जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है लिनन, याद रखिएगा। ये एक प्राकृतिक तंतु है, बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ये सिंथेटिक हैं बेटा, कैसे हैं? ये सिंथेटिक हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नमीयुक्त वस्त्रों पर क्या लग जाती है, अगर वस्त्र में नमी रह जाए तो क्या लग जाती है? फफूंद लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, खमीर लग जाती है, इनमें से कोई भी चीज नहीं लगती है, बताओ बताओ, जो नमीयुक्त वस्त्र होते हैं उनमें क्या लग जाती है,
याद रखिएगा, उनमें फफूंद लग जाती है। क्या लग जाती है? फफूंद लग जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मधुमेह रोग व्यक्ति के शरीर में क्या कर सकता है? अंधापन ला सकता है, वक्र किडनी भी फेल कर सकता है, हार्ट अटैक ला सकता है, ये सभी चीजें कर सकता है। बताओ, अगर किसी को बहुत ज्यादा शुगर हो जाए, है ना, दिवाली का दिन था, सोचा कि चलो बैठकर मिठाई खाते हैं और धड़ाधड़ मिठाई खाना शुरू की, है ना, और हर दूसरे दिन मिठाई खा रहे हैं, चलो एक दिन खा ली कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर खा रहे हैं, तीसरे दिन फिर खा रहे हैं, चौथे दिन फिर खा रहे हैं, और क्या है कि और क्या है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो मधुमेह जो है ना वो हो जाएगा दोस्तों। और मधुमेह कारण क्या कर सकता है? ये सभी चीजें कर सकता है। जो शुगर है ना, देखो दो तरीके की डायबिटीज होती है बेटा, टाइप वन डायबिटीज होती है, टाइप टू डायबिटीज होती है। टाइप वन ज्यादा सिवियर होती है, टाइप टू कम सिवियर डायबिटीज होती है। देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, डायबिटीज के दोनों क्षेत्रों में क्या डिफरेंस है। देखो जो टाइप टू डायबिटीज होगी, कौन सी टाइप टू डायबिटीज होगी, उसमें क्या है कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन कोशिकाएं जो है वो रेजिस्ट कर रही है, कोई कोशिका है वो रेजिस्ट कर रही है, वो क्या नहीं आने दे रही है अंदर, वो आने नहीं दे रही है शुगर को, किसको, शुगर को नहीं आने दे रही है। तो जब कोशिका शुगर को रेजिस्ट करती है, क्या करती है, रेजिस्ट करती है, अंदर आने से मना करती है, वो होता है टाइप टू डायबिटीज। टाइप वन डायबिटीज में आपका जो शुगर बनाने की फैक्ट्री है पेनक्रियाज, वही थक जाता है, वो कहता है भैया मेरे बस की नहीं है इंसुलिन बनाना, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला, इनमें से कौन सा जारवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है, बताओ, मिजोरम है, अंडमान द्वीप है, मेघालय है, लक्षद्वीप है, बताओ जारवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है। भूत प्रेत हूं, नटखटी परी आ गई, भैया हमारी क्लास में सब अजीबोगरीब क्यों आते हैं, कलुआ है, नटखट परी है, मरीज इश्क आता है हमारी क्लास में, ठीक है, मतलब कोई ढंग के लोग नहीं आते यार हमारी क्लास में, कोई ठीक है जो एंजॉय करने आए, जो ठीक है। चलो करेक्ट आंसर है दैट इज अंडमान और द्वीप, अंडमान द्वीप इसका करेक्ट आंसर है। जारवा जनजाति का जो क्षेत्र है दैट इज अंडमान द्वीप है। यहां पर आप देख सकते हैं जारवा जनजाति के जो लोग हैं, ठीक है, जो कलुआ है, कलुआ जो है उनको मैं बोलना चाहूंगा कि बेटा जारवा जनजाति ज्वाइन कर लो, ठीक है, बहुत हेल्प करेंगे तुम्हें, ठीक है, वनों की चीजें सिखाएंगे तुम्हें, ठीक है, और बताएंगे, लेकिन आप देखो ना, दे आर एज नेचुरल एज पॉसिबल, कितने नेचुरल हैं लोग, है ना, एंड बिलीव मी गाइज कि जो आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, दे हैव देयर नेचुरल इंटेलिजेंस, उनकी अपनी एक नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। हम और आप नेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते बिना किसी हेल्प के, लेकिन दे कैन सर्वाइव, राइट, इनको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आप तो हो सकता है कि भूख लगी और जाकर कोई फल दिख रहा है, फल तोड़ लिया और सोचा कि फल है खा लें, और पता चला कि जहां कल मरने थे वहां आज मर गए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो जी हाँ, कलुआ की मेहरारू बोल रहे हैं कुछ छात्र यहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उर्वरक में एनपीके से क्या तात्पर्य है, बताओ, एनपीके बहुत यूज किया जाता है, ठीक है सर, प्लीज टेलीग्राम लिंक, सन्नी सैनी भैया बड़े बड़े अक्षरों में कोने में देख क्या लिख रहा है, सीटेट बाय लोके सर, सर्च करके देख, है ना, जाके देख रिकॉर्ड में, इंसान है कि भगवान, किसका डायलॉग है पता नहीं, मैं तो भूल गया, किसी का डायलॉग था ना, ऐसा जाके देख रिकॉर्ड में, इंसान है भगवान। नहीं आ रहा याद, ठीक है, ये शायद किसी वेब सीरीज का है, एंड नेटफ्लिक्स पर वो वेब सीरीज अवेलेबल है, पाताल लोक नहीं है, ये वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स, ठीक है, सेक्रेड गेम्स का है। चलो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम अपनी ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं, बताओ हम अपनी ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं, अपने हाथ और पांव बहुत कम चलाकर, याद रखिएगा, अपने हाथ और पांव जल्दी जल्दी चलाकर, जितना हो सके उतना झुककर, ठीक है, या फिर जितना काम कर सकते हैं उतना ही काम करें, ठीक है, करेक्ट आंसर है कि हम अपने हाथ और पांव को बहुत कम चलाएं, ऊर्जा बच जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस रोग में मच्छरों के द्वारा संचारण रोगाणु से लसीका वहिनियों में दीर्घकालिक सूत उत्पन्न होता है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, ये नई एनसीईआरटी बेटा हिला देगी तुम्हें। ठीक है, जिस दिन नई एनसीईआरटी से पेपर आ गया है ना, आधे से तो पहले तो यूट्यूबर्स का सफाया हो जाएगा। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर है दैट इज एलिफेंटाइटिस। याद रखिएगा दीर्घकालिक शोथ जो है वो एलिफेंटाइटिस से उत्पन्न होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एलिफेंटाइटिस है बेटा। ठीक है, ये जो है ये कलुआ का पैर है। ठीक है, नहीं ये कलुआ का पैर है, ये नटखट परी का पैर है। ठीक है, और ये मान के चलो किसी और का पैर है। आप इनमें क्या देख पा रहे हैं? ठीक है, आप एक चीज देख पा रहे हैं कि इनका पैर खा खा के मोटा नहीं हो सकता, इतना मोटा पैर है ना, खा खा के तो नहीं हो सकता। ये हाथी जैसा पांव हो गया, इसीलिए रोग को हाथी पांव कहते हैं। एक्चुअली ये एक कृमि के द्वारा होता है बेटा, एक छोटा सा कीड़ा होता है, बहुत छोटा कीड़ा होता है और हमारी कोशिकाओं को प्रभावित कर देता है और ये सूजन है एक्चुअली, है ना, एलिफेंटाइटिस। और कई बार इसमें ऑपरेशन कराना पड़ता है, पैर ही हटाना पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, एक दवाई दी जाती है, दैट इज DEC करके एक दवाई है दोस्तों, वो दी जाती है, दैट इज डाई इथाइल कार्बोमेजाइन, याद रखिएगा। कीट के मोल्टिंग हार्मोन को क्या कहा जाता है बताओ? एक्सीडोन कहा जाता है, किशोर हार्मोन कहा जाता है, इंसुलिन कहा जाता है, या फिर पैथ्रोस्ट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है? करेक्ट आंसर एक्डिसोन कहा जाता है, याद रखिएगा। आपने देखा होगा एक हार्मोन है दोस्तों, ठीक है, और जो सांप वगैरह होते हैं ये अपनी खाल छोड़ देते हैं। देखो भाई सब पढ़ा रहे हैं, सीटेट में आपकी पढ़ाई हो रही है, आप जानते नहीं हो आपसे कितने क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। डस मत लेना, बस मैं ये बता रहा हूँ, डस मत लेना, है ना, इधर खड़ा हो जाता हूँ, मुड़ेगा तो टाइम मिलेगा थोड़ा सा। ध्यान से देखो, इसकी स्किन उतर रही है बेटा, है ना, ये मोल्टिंग हार्मोन की वजह से होता है, एक्सीडिसोन की वजह से होता है, याद रखिएगा, एक्सीडोनसोन, अरे यार एक्डिसोन की वजह से होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो हार्मोन है क्या करता है, धीरे धीरे रिलीजिंग कराने का काम करता है। अच्छा आप सोचते होंगे सांप को बहुत दर्द होता होगा, नहीं जी सांप को इसमें दर्द नहीं होता, क्योंकि जो हार्मोन है वो जिस एरिया से ये खाल उतरी होती है उसको न्यूट्रलाइज करता हुआ चला जाता है। वन मोर थिंग टू बी वेरी फ्रेंक, सांप से आने वाले क्वेश्चन क्या है, सांप तीन तरीके के हैं भारत में, अफई, कोबरा और करैत, ये तीन जहरीले सांप है भारत में। एक तो ये क्वेश्चन आता है बेटा, और पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सांप है जिसका पीछे भी, है ना, पीछे भी जो इसकी पूंछ होती है वो भी मुंह जैसी लगती है, वो दुबई सांप है, याद रखिएगा। ठीक है, काफी जहरीला सांप है ये तो, खैर ठीक है। बाकी किंग कोबरा एक सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है, याद रखिएगा, एक वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाल सफेद हो रहे हैं क्या? ना अभी तो जवान हूं मैं, ऐसे थोड़ा। इनमें से कौन सा बिना डंक वाली मधुमक्खी है दोस्तों बताओ? बिना डंक वाली मतलब आएगी और खाएगी नहीं, बताओ, डंक नहीं मारेगी, बताओ। सर आपकी वाइफ क्या करती है? राधा नाम की फुलवारी। मेरी जो वाइफ है ना वो ना एक काम करती है, ठीक है, वो मेरी पत्नी होने का काम करती है। ठीक है, मेरी वाइफ क्या करती है? मेरी वाइफ काम करती है और क्या करती है, ठीक है, शी इज मैनेजर, तो मैनेजर का काम है करना है टू मैनेज द हाउस, टू मैनेज हिज ऑफिस, हर ऑफिस, ग्रामर नहीं गलत करनी है, ठीक है, और हाँ वही करती है। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर है दैट इज मेलिपोना, याद रखिएगा, मेलिपोना इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है? I love my husband, पागल है, ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, सीसी फ्लाई, एडिस एजिप्टी और फ्लेरियल वॉर्म और हाउस फ्लाई। तो याद रखिएगा, फाइलेरिया रोग क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से होती है। तलाशी लेती होंगी शाम को, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, कहाँ है मैनेजर? मेरी मैनेजर है ना भाई, ठीक है, मेरी मैनेजर है ना, मतलब कितना खाया, नहीं खाया और खाओ, ठूस ठूस के खाओ जब तक मोटे ना हो जाओ, ठीक है, ज्यादा खा लिया कम खाओ, मीठा कम खाना है,
यही चीजें खानी है जो सिली में, मतलब लाइफ में वाइफ के आ जाने से इतना तो हुआ है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ, वरना मैं पहले कुछ भी खा लिया करता था, बर्गर है अब खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे, रेडी से उठाई बर्गर खा गए हैं, पेटी तक खा गए हैं ना, अलग अलग चीजें खा गए, जो मन करता था खा जाते थे, लेकिन अब नहीं है, थोड़ा सा वाइफ आई है तो हेल्थ कॉन्शियस, नहीं क्या कर रहे हो मीठा नहीं खाना है, तो थोड़ा डांट भी लगा देती है कभी कभी, तो ऐसा नहीं है कि यार। और फिर भैया देखो ऐसी दी सी बात है यार, जितने भी लड़के हैं सब, तुम सबको मैं बता दूं, शादी के बाद बेटा चलती नहीं है, ठीक है, पत्नी के सामने चू भी नहीं बोल सकते हो, पत्नी ने कहा कि बाहर तो मतलब बाहर, घर के बाहर बेटा, फिर अंदर नहीं आना है, ठीक है, क्वेश्चन देखो, और अगर अंदर आ गए तो कलेश बढ़ेगा ही। मधुमक्खी किस परिवार से संबंधित है बताओ, एपिडी, वेस्पिडी, फॉर्मसिडी, अपिनिडी, मस्किडी, याद रखिएगा इट्स एपिडी है ना, ठीक है, चलो बाय द वे इट्स जोकिंग, ठीक है, जोक चल रहे हैं, मजाक चल रहे हैं, पढ़ो। सफेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, ठीक है, चलिए आंसर करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो करेक्ट आंसर है दैट इज बेमिसी तबेकी है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, यहां पर पोषक तत्व और खाद्य स्रोत दे रखे हैं हम लोगों को, सही चीज से मिलाना है आप लोगों को। सर स्त्री को समझना मुश्किल है या समझाना, मरीज है इसके भाई, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी, तुम रहने दो, तुम ना समझ पाओगे ना समझा पाओगे, तुम पहले खुद को समझ लो। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पोषक तत्व दे रखे हैं और हमें खाद्य स्रोत दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से मिलेगा यार, इसमें से हम चावल और आलू से कार्बोहाइड्रेट लेंगे, फल प्रोटीन हमें यहां से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, वसा हम लोगों को तेल मक्खन घी से मिल गई और खनिज हमको मिल गए यहां से, खत्म हो गया क्वेश्चन, कितना आसान था दोस्तों, ठीक है, कितना आसान था है ना। आगे बढ़ते हैं, रैबो के बारे में कौन सा गलत कथन का चयन कीजिए बताइए, वे शंक्वाकार तंबू हैं, ठीक है, याक के बालों की पट्टी बने होते हैं, ठीक है, तंबू को जमीन के निचले भाग में लगाया जाता है या फिर चूल्हे को धुआं निकालकर दोस्तों तंबू के द्वारा छेद कर दिया जाता है। करेक्ट आंसर है दैट इज यस, तंबू को जमीन के निचले भाग में लगाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर में घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर खूबसूरत चाप क्या है, खत्म बंद है, डोंगा है, डब है, मेहराब है, बताओ, जो खूबसूरत चाप आप लोग देखते हो वो क्या है, याद रखिएगा दैट इज मेहराब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, झूम खेती और लॉटरी खेती में क्या समानता है, ठीक है, कल भैया दोपहर 1:30 बजे वाला सेशन पता है ना, बहुत भयंकर सेशन होने वाला है, पेडागोजी स्पेशल सेशन होने वाला है, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया टैग वर्ड बताऊंगा, पेडागोजी कैसे निपटानी है, जबरदस्त सेशन होगा, सबको आना है। दोनों भूमि किसी विशेष परिवार की नहीं होती, सभी की होती है। गुजरात में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है, चावल, दाल, बाजरा, सरसों, बताओ, गुजरात में उगाई जाने वाली मेन फसल, प्रमुख फसल कौन सी है, चावल, दाल, बाजरा, सरसों, करेक्ट आंसर क्या है, बाजरा, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र किससे रिलेटेड है भैया, ऑब्वियसली बात है, जो ओजोन की जो थिकनेस है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, उसके घटने से है ओजोन लेयर की। तो दोस्तों हम लोगों के पास एक बेस्ट कोर्स है सीटेट का, सभी दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है सीटेट का, ठीक है, सबको आना है, इस नंबर पे कॉल कर लेना 9113782682617 और प्राइस है 928 रुपये, इसमें आपको बैच मिल जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, ठीक है, कल मिलो दोपहर 1:30 बजे, पेडागोजी की क्लास होगी, संपूर्ण विषय, सभी विषय की, ठीक है, ओके जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।